वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी सुबह है, हल्की सी ठंडक है, अभी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और हम रेडी हैं निकलने के लिए। नाइट स्टे अपना ठीक था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं थी तो गर्म कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। और अभी मैं निकल रहा हूँ रामपुर से, मैं जाऊँगा रेकोंगपियो और वहाँ से आगे का देखते हैं कैसे जैसे मर्जी प्लान होता है। और बाइक पे मैं लगेज वगैरह ऑलरेडी बांध चुका हूँ और थोड़ी सी बाइक आज मैंने साफ़ भी कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी कल। और बस ये है रोड रामपुर की, तो काफ़ी अच्छी जगह है, हॉल्ट ले सकते हैं हम यहाँ पे, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, आई थिंक छोटी बहुत मार्केट है। और ये है होटल बुशाहर रेजेंसी, तो हिमाचल टूरिज्म के अंडर आता है HPTDC और काफ़ी मिनिमल रेट्स हैं, अफोर्डेबल, और प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सो अगर आप लोग रामपुर में हॉल्ट लेते हैं स्पीति जाते हुए तो यू कैन कंसिडर दिस चीप एंड बेस्ट। बाइक अपनी ऑलमोस्ट रेडी है, बस हम लोग निकलते हैं क्योंकि लेट हो चुका हूँ थोड़ा सा, चलते हैं, बट इट्स टाइम टू लीव। चलो जी, मैप लगा दिया हमने रेकोंगपियो का, 2 घंटे 51 मिनट, 92 किलोमीटर्स। फ़ोन रख लिया, भूले ना उधर चार्जर, फ़ोन रख लिया, भूले ना उधर चार्जर, ये तो हनी सिंह का गाना बन गया। ट्रैफिक से तो निकल गया मैं, 15-20 मिनट लग गए उधर, और अभी है 2 hours 39 minutes रेकोंगपियो। चलते हैं, अभी तो सिटी है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक लगा रहेगा, अभी आगे जाके खुल जाएगा आई थिंक। तो यहाँ से है ज्योरी 2 किलोमीटर, सरहन 20, रेकोंगपियो जहाँ मैं जा रहा हूँ 80, और काल्पा उसके बाद मैं जाऊँगा 89। तो 80 किलोमीटर है काल्पा अभी, इनक्रेडिबल इंडिया। चलो जी, मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। रोड कहीं कहीं पे ख़राब भी है, कहीं कहीं पे अच्छी है, ओवरऑल इसको ठीक ही बोलेंगे, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मगर बीच में पैच आएंगे जो कि बहुत ख़राब भी होंगे। यही रास्ता आपका सांगला और चितकुल भी जाता है, वो थोड़ा सा डी टूर हो जाता है 25 किलोमीटर का, तो वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं सोचा था मनाली से वापस जाने के लिए जो पूरा सर्किट होता है, मगर अभी पता चला है कि वो बंद है, मगर शोर नहीं है। काजा जब जाएंगे वहाँ से पता चलेगा कि मनाली वाला जो है वो खुला है या नहीं, क्योंकि उधर बर्फ़ बहुत थी इसलिए वो बंद कर रखा था 1-1.5 हफ्ते पहले, तो बाकी जाके पता चलेगा। अगर वो बंद हुआ तो वापस इधर से आते हुए हम लोग चितकुल और सांगला जाएंगे, इसलिए अभी मैं उसको मिस करके सीधा जा रहा हूँ रेकोंग, वहाँ से काल्पा जाएंगे, वहाँ से फिर जाएंगे हम नाको। तो अभी आज का सफ़र भी लंबा है, अब कल जितना लंबा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, क्योंकि किलोमीटर यहाँ पे कम ही होते हैं मगर ड्यूरेशन उतना ही लगता है, मगर जो पॉइंट्स हैं सीनिक पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। काल्पा में भी 1-2 पॉइंट्स हैं, सुसाइड पॉइंट बताया अभी मेरे जो दोस्त हैं यशवंत, उन्होंने, तो वहाँ पे भी जाएंगे, देखते हैं क्या है वहाँ पे। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है, तो किन्नौर द्वार है ये, यहाँ से हम किन्नौर में एंटर हो चुके हैं, ये सारा किन्नौर है। अब ये देखो भाई, पूरा पहाड़ इस तरफ, अलग ही व्यू है ये, बिल्कुल अलग। यहाँ पे सोच रहा हूँ एक फ़ोटो तो खींच लूँ या नहीं, वाह क्या लोकेशन है भाई, देख रहे हो,
एकदम शांति और पानी की आवाज आ रही है नीचे से। लाइट बंद कर। पीछे काफी गंदा ऑफ रोडिंग था और उसके बाद ये थोड़ी अच्छी रोड आ गई है। थोड़ी क्या, काफी अच्छी रोड बनी है ये। हम लोग यूरोप के वीडियोस देखते हैं, उधर जो लोग बाइक चलाते हैं कंट्री साइड में, ऐसी फीलिंग आती है नहीं, तो हमारा इंडिया का कम है भाई किसी से। यहाँ पे इंटरसेप्टर के साथ बस इशारे चलते हैं, थोड़ा सा इशारा करो और बाइक अपने आप चलती रहती है मज़े में एकदम। मगर दूसरे की लाइन में नहीं घुसे यहाँ पे, वरना दिक्कत हो जाएगी। और मनीष भाई अ वेरी बिग थैंक यू टू यू। वैसे थैंक यू बोलना एक फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि मेरा गोप्रो जो सेकंड वाला था उसमें कुछ इशू आ गया, तो मनीष भाई ने अपना गोप्रो 9 मेरे को दिया एक रात पहले ही। वो तो अगर आप नहीं भी देते तो मैं छीन के ले आता मनीष। तो यहाँ से रास्ता कट जाता है, ये रास्ता अगर आप राइट पे लेते हैं ब्रिज के ऊपर से तो जाता है सांगला। रेकोंगपियो जहाँ हम जा रहे हैं वो सीधा है, काल्पा भी सीधा है, चितकुल इधर है। तो यही मैं बता रहा था, थोड़ा सा डी टूर होता है, इधर जाके हमको वापस इधर आना पड़ता है। तो ये हम आते हुए कर सकते हैं जब हम वापस आएँगे। तो अभी हम सीधा निकल रहे हैं रेकोंगपियो के लिए। करछम डैम है ये, मैंने भी पढ़ा तो बोला मेरे को कौन सा पता था भाई। पंद्रह मिनट और रेकोंगपियो इस तरफ है, और ये जो नाको जाता है और टाबो और पू और ये जाता है नीचे की तरफ, तो हमें अभी ऊपर जाना है। वापस हम इधर को आएंगे और फिर हम नाको की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, ऑल सेट। मेरे को भूख प्यास नींद सब एक साथ आ रही है। नैरो सी रोड है इधर तो, थोड़ी सारे पत्थर ऊपर से गिरे हैं। यहाँ से ऊपर है क्या एकदम? हाँ जी, फर्स्ट गियर डालना पाऊगा पाजी। भाई साहब नज़ारा देखोगे सामने, देखो। ओ भाई भाई, जितना बोलो उतना कम है, इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं करा जा सकता। और ये वीडियो में भी मेरे ख्याल से 20-30% ही आपको दिख रहा है, ये सामने से इतना सुंदर लग रहा है। रेकोंगपियो जाने के लिए सारे के सारे जो लूप्स हैं वो ऊपर की तरफ है, ये देखिए हाइट पे है, पावर भरपूर है भाई हमारे पास, हाइट की टेंशन नहीं है। भाई साहब रेकोंगपियो आगे, अच्छा, और उसके बाद काल्पा, काल्पा और ऊपर है 8-9 किलोमीटर ना, 8-9 किलोमीटर और ऊपर। अच्छा थैंक यू। काल्पा भी ये बहुत छोटी सी जगह ही है, ये काल्पा में ही है हम, किन्नौर काल्पा।
और अभी मैं जा रहा हूँ 3-4 किलोमीटर ऊपर और सुसाइड पॉइंट पे। ये रोड जाती है आपके किन्नर कैलाश और जो सुसाइड पॉइंट है, और मेरे को लगता है मैं अकेला ही चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है। भाई साहब ये सुसाइड पॉइंट कहाँ है, कितना है? 2-1 किलोमीटर होगा। अच्छा, वहाँ पर आई लव नॉर्थ लिखा बोर्ड भी जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही स्पीति को मोस्ट डेंजरस रोड्स में नहीं गिना जाता, सही में डेंजरस है, बहुत डेंजरस है भाई। ओ, देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई नीचे। दिस इज सुसाइड पॉइंट। तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं और ये है आपका सुसाइड पॉइंट जहाँ पे लिखा है आई लव किन्नौर। तो अपनी मार्क टू यहाँ पे पहुंच चुकी है सुसाइड पॉइंट पे। ये सारा सामने किन्नर कैलाश रेंज, बहुत ही सुंदर, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। मैं लूँ क्या फोटो? आप चिपका दो सर। मैं पहले स्टिकर चिपका दूँ इधर? हाँ। तो जी सुसाइड पॉइंट पे हमारा स्टिकर चढ़ गया। ये आपका स्टिकर परमानेंट ऐसे देखेगा तो कोई जरूर करेगा। आप तो इंस्टा पे भी है ना? हाँ जी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे यही नाम से। ठीक। हेलो भैया, लाओ यादी। 3 बज रहे हैं तो 2.5 घंटे में आई थिंक नाको पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड अच्छी है। बस 15-20 मिनट मेरे को कुछ खाना है कहीं पे, क्योंकि भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज़। अपने साथ एक घटना घट गई, फ्यूल गेज जो है इसका, इसने धोखा दे दिया आज। 3-4 पॉइंट दिखा रहा था, हमें लगा अभी है और एकदम डाउन, और उसके बाद अभी काजा तक पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो अभी ऊपर ऊपर ये पू विलेज है, पू जो कल मैं आपको दिखा रहा था ना, पू वो वाला विलेज है। तो वहाँ से मेरे को पेट्रोल लेना पड़ा एक शॉप से, 1 लीटर पे इसने 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए। कोई बात नहीं यार, ऐसे टाइम पे हेल्प हो गई मेरी, वो ही बहुत है। और काफ़ी ऊपर है ये जगह, पू विलेज जो है काफ़ी ऊपर पड़ता है, और रास्ता भी थोड़ा ऐसा सा ही है, मगर अभी पेट्रोल लेना था तो आना ही पड़ा, क्या करते। बाय बाय। यही चीज़ें होती हैं यार, कुछ भी हो सकता है ट्रिप पे। अभी वैसे तो पहुंचने को नाको तक मैं पहुंचा देता इसको, मगर क्या है ना कि वहाँ पे भी पेट्रोल का यही हिसाब है, वहाँ पे भी लूज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी नेक्स्ट पेट्रोल पंप काजा में ही है। तो ये अच्छा है यहीं से ले लिया। रास्ता यहाँ नीचे का मेरे को पूछना है किससे। आंटी जी, ये नाको के लिए इरट सड़क निकल जाएगी? थैंक यू। ये बहुत फ़ायदा करता है सर, जब क्रैश होता है ना, ये सारा इंजन बचाता है, ये वाला पार्ट बचाता है, सब चीज़ बचा लेता है। हाँ, क्योंकि देखो आप ट्रिप पे हो, अगर ये टूट गया और आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो आप गए। हम लोग क्या करते थे ना, दांत से ऐसा करके चलते थे। हाँ, बहुत पहले 83 में 82 में लिया था मैंने जी, बुलेट एनफील्ड 350 जी, तो 12,300 रुपये में ये भी थी इंश्योरेंस उस वक्त। और ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी है, अभी भी है मेरे पास। अच्छा जी, आप यहीं पे हैं? मैं यही लोकल हूँ। अच्छा जी, हम यहीं से हैं, डबलिंग जगह है जी। प्लीज़ आप ये करिए बुलेट को। सर ये इसका इंजन बहुत पावरफुल है और इसमें वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है इंजन। ओके सर। ओके जी, ओके। इंटरसेप्टर देख के लोग अपने होश खोई बैठते हैं।
हमें बड़ी खुशी होती है जब लोग मिलते हैं, पूछते हैं बाइक के बारे में। चीज़ है ही काबिले तारीफ भाई। दो मिनट के लिए मैंने हेलमेट खोला था, आँख में मच्छर चला गया, तो वो निकालने के लिए रुका हूँ। और यार क्या व्यू है पीछे, एकदम सन्नाटा, साइलेंस, सिर्फ यहाँ बाइक्स की आवाज़ आ रही है, बस और कुछ नहीं है। और अभी मैं सोच रहा था यार ठंड होगी, नाको तो 10 किलोमीटर ही रह गया, मगर ठंड का नामो निशान नहीं है। शायद रात में टेम्परेचर होगा वो डाउन जाएगा। ऑलमोस्ट डार्क हो चुका है और ये रहा सामने बोर्ड, ग्राम पंचायत नाको पहुंच गए। फोन चल रहा है क्या? हाँ मेरा, हाँ फोन चल रहा है। मैं एक फोन कर लूँ? हाँ कर लीजिए सर, जरूर। वोडाफोन है, खुद भी चलता नहीं है। वोडाफोन तो डेड है सर, एयरटेल चलेगा बस। और देखो मेरा भी चल रहा है, नहीं एयरटेल चल रहा है। नाको विलेज में ताशी होम स्टे में रुका हूँ मैं। छोटा सा ही रूम है, बहुत बेसिक सा रूम है, मगर बहुत अच्छा है, मतलब राइडर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है ऐसा, चीप एंड बेस्ट। और मेरे को यहाँ पे मिलेगा 1000 रुपीज़ में वन नाइट स्टे, आज का डिनर और कल सुबह का ब्रेकफास्ट। कल सुबह मैं निकल जाऊँगा काजा के लिए, काजा में अपना स्टे पहले से बुक है। वहाँ पे हम अब एटलीस्ट 2 दिन बिताएंगे काजा में और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो भी है। नाको तक का जो डिस्टेंस था, अभी सुबह जब मैं काल्पा गया था, काल्पा के ऊपर सुसाइड पॉइंट, वहाँ मेरे को लग रहा था कि मेरे को शायद नहीं जाना चाहिए था, मगर ठीक है जो भी है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि वहाँ 2 घंटा मेरा लगा और वही 2 घंटे में मैं सीधा नीचे उतर के नाको के लिए आ सकता था। तो बीच में फिर पेट्रोल का भी इशू हो गया था, आपने देखा। उसके बाद फिर नाको आते आते बिल्कुल अंधेरा हो चुका था रात में, मगर अभी फाइनली अच्छे तरीके से पहुँच गए। अभी भैया ने मेरे को चाय दे दी है और पार्ले जी के बिस्किट, और ट्रस्ट में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, वही ब्रेड ऑमलेट खा के निकला था। मेरे को लगा था कि रेकोंग पियो में नीचे आके कुछ खाऊंगा, फिर मेरे को लगा यार अभी 98 किलोमीटर पहुंचना है नाको तो कहीं देर ना हो जाए, उस चक्कर में कुछ नहीं खाया सुबह से, सिर्फ सुबह का नाश्ता कर रखा है। तो अभी खाना आ रहा है, ये बिस्किट चाय खाता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा मेरे को एडिटिंग करना है। जो पहले दिन का व्लॉग है वो भी शायद आप, वो भी मैंने एडिट नहीं करा, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जो ट्रिप है बहुत अच्छी निकल रही है अभी तक। सोलो में थोड़ी सी हाँ चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि यू आर ऑल ऑन योर ओन, बट वो मोटिवेशन मुझे मिलता है अपने घर से, अपनी फैमिली से, मेरे जो दोस्त हैं पूरा बाइकॉलिक, एवरीवन बाइकॉलिक में, रचित जी, हितेश, गौरव, दीपक भाई, मनीष, कौशिक भैया और सब लोग, ऑल थैंक्स टू यू। चलिए चाय बिस्किट खाते हैं, उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे। ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे सुबह मिलते हैं। नाको लेक जाएंगे, पहले तो नाको लेक है यहाँ पे, तो नाको लेक जाऊँगा, उसके बाद हम निकलेंगे काजा के लिए। तो यार वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। यू गाइस हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।